कि आप भी इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आपको दो ऐप यूज करना है दोस्तों, जिसका नाम पिक्चर ऐप है दोस्तों और दूसरा इन शॉर्ट ऐप है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं दोस्तों कि हम इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर आपको बताते हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियो किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है दोस्तों अपने पिक्चर ऐप पर दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने पिक्चर ऐप को ओपन करते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको जो देखिए दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ गया दोस्तों। अब जो दोस्तों ये न्यू टेक्स्ट लिखा है दोस्तों इसको आपको यहाँ से डिलीट कर देना दोस्तों। इस पर आपको एक बार टैप करना दोस्तों, उसके बाद यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको इमेज साइज पर कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है दोस्तों। इस तरह से आपको लिख लेना है 9:16। उसके बाद दोस्तों ओके कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ बीच वाले ऑप्शन पर आपको सबसे नीचे इस पर आपको करना है दोस्तों क्लिक। उसके बाद दोस्तों इनपुट के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से आपको जो इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, आपको जो सबसे अच्छा इमेज लगे दोस्तों। जैसे कि मैं दोस्तों अपना एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सही कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आना है थोड़ा सा इधर। इधर आने के बाद दोस्तों आपको रिलेटिव साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उस पर आपको कर देना क्लिक। उसके बाद दोस्तों इसको खींच के कुछ इस तरह बड़ा कर देना दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको सही कर देना दोस्तों। आप दोस्तों इस फोटो को लॉक कर देना दोस्तों, आपको इस पर आपको कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लॉक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको फिर से एक इनपुट के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों। आपको यहाँ से एक ब्लैक शैडो PNG यूज करना दोस्तों, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ब्लैक शैडो PNG को सेलेक्ट करते हैं। तो इनपुट के ऑप्शन पर आपको कर देना दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से मैं अपना एक ब्लैक शैडो PNG ले लेता हूं दोस्तों। ले लेने के बाद दोस्तों आप इसको इस तरह से खींच के एकदम बड़ा करना है दोस्तों, इस तरह। उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से नीचे इस तरह से बिठा लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस PNG को भी लॉक कर देना दोस्तों, इस तरह से लॉक कर देने दिए दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या करना दोस्तों, आप यहां से आपको अपना टेक्स्ट लिखना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको कुछ याद है तो दोस्तों आप ए वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक दोस्तों। उसके बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कुछ नहीं याद है दोस्तों टेक्स्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। आपको यहाँ से पहले आपको बैक आना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर आपको लिखना है दोस्तों मोटिवेशनल बायो इन हिंदी दोस्तों। दोस्तों आपको सर्च के ऑप्शन पर करना क्लिक दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है मोटिवेशनल बायो इन हिंदी दोस्तों। इसको लिख लेने के बाद दोस्तों उस पर क्लिक कर देना दोस्तों। अब दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी अपने एक इमेज पर आपको कर देना दोस्तों। यहाँ से इस पर मैं जैसे कर देता हूँ क्लिक दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी अपना इमेज यहाँ एकदम यहाँ से दोस्तों आपको कोई भी मोटिवेशनल को पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद जो सबसे अच्छा लगे दोस्तों उसको यहाँ से अपना कॉपी कर लेना दोस्तों। जैसे मैं अपना एक कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैं दोस्तों इसको इस तरह से कॉपी कर लेना दोस्तों, इसको इस तरह से एकदम कॉपी कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों अब यहां से आपको आ जाना है बैक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाना है अपने पिक्चर ऐप पर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एडिट के ऑप्शन पर, उसके बाद दोस्तों न्यू टेक्स्ट लिखा दोस्तों इसको यहाँ से आप हटा दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप जो कॉपी किए थे दोस्तों उसको यहाँ से पेस्ट कर देना दोस्तों। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ओके कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको नीचे ले आना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको आना थोड़ा सा इधर। इधर आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा दोस्तों, तो दोस्तों आपको ए लाइन का एक ऑप्शन दिख रहा दोस्तों, उस पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। उसके बाद दोस्तों बीच वाले को इस तरह सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद सही कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। आप दोस्तों यहाँ से आपको जो सबसे अच्छा फॉन्ट दिखे दोस्तों उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको अगर ज़्यादा बड़ा हो गया इसको यहाँ से इस तरह छोटा भी और कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आप क्या करना दोस्तों, इसको कलर करना दोस्तों। आप कलर वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक दोस्तों। आप दोस्तों आपको देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना दोस्तों। आप इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा सबको हल्का हल्का कलर कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं अपना कलर कर दे रहा हूँ इस तरह से। फिर से आपको कलर के ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से इस तरह से एकदम क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर करना है इस तरह से, इसको एकदम हल्का सा सेट करना। उसके बाद दोस्तों आपको जो सबसे अच्छा कलर लगे उसको इस तरह कलर करते जाना है।
कलर कर देने के बाद दोस्तों इसको भी आपको लॉक कर देना दोस्तों, इस तरह से आपको लॉक कर देना दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अभी इस इमेज को आपको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना दोस्तों, इस पर आपको कर देना दोस्तों क्लिक। उसके बाद दोस्तों कस्टम के ऑप्शन पर आपको करना क्लिक, उसके बाद दोस्तों बहरी हैज के ऑप्शन पर, उसके बाद दोस्तों सेव टू गैलरी कर देना दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपका ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आ जाना है अपने इनशॉट ऐप पर दोस्तों। इनशॉट ऐप ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको न्यू वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जिस वहां से पिक्चर ऐप से जो फोटो को डाउनलोड किए थे दोस्तों इमेज को, उसको यहां से आपको सेलेक्ट करना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको म्यूजिक के ऑप्शन पर आपको कर देना दोस्तों क्लिक। उसके बाद फिर से म्यूजिक के दोस्तों ऑप्शन क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने माई म्यूजिक के ऑप्शन पर आपको कर देना दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, जो आपको म्यूजिक सबसे अच्छा लगे दोस्तों उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सही के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर दोस्तों दिख रहा है कि आपका म्यूजिक बड़ा है दोस्तों, अगर इमेज छोटा हो गया तो इसको खींच के दोस्तों इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको फिल्टर के ऑप्शन पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टार वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नो इस पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सही कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इसको भी खींच के एकदम बड़ा कर देना दोस्तों, इसको वीडियो के लास्ट तक पहुंचा देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से सही कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना दोस्तों, आपका ये मोटिवेशनल वीडियो बनके तैयार है दोस्तों। अब दोस्तों इसको डाउनलोड कैसे करना दोस्तों, आपको यहाँ देखिए दोस्तों सेव का एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उस पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों को फिर से सेव वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है दोस्तों क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ये इमेज वीडियो डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसी तरीके से दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।